स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस राजश्री, जो कि फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वी शांताराम जी की बेटी हैं, इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनकी डेब्यू मूवी आई थी 1954 में सुबह का तारा, इसको भी शांताराम जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में राजश्री जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। अगली मूवी आई थी 1961 में स्त्री, इसको वी शांताराम जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में लीड कास्ट में थे वी शांताराम, संध्या, राजश्री और वंदना। अगली मूवी आई थी 1963 में गृहस्थी, इसको किशोर साहू जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, मनोज कुमार, राजश्री, निरूपा राय, ललिता पवार, कन्हैयालाल, विपिन गुप्ता। इस मूवी को सभी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1963 में घर बसा के देखो, इसको किशोर साहू ने डायरेक्ट किया था। इसमें मनोज कुमार, राजश्री, श्यामा, ललिता पवार, महमूद, जॉनी वॉकर थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1964 में शहनाई, इसको एच डी नारंग जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे बिस्जीत चटर्जी, राजश्री, चांद उस्मानी, निरूपा राय रहमान और इफ्तिखार। अगली मूवी आई थी 1964 में ही गीत गाया पत्थरों ने, इसको वी शांताराम ने डायरेक्ट किया था। इसमें जितेंद्र, राजश्री और केशवर राव लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जी चाहता, इसको विभूत मित्रा ने डायरेक्ट किया था। इसमें जॉय मुखर्जी, राजश्री, श्यामा, अचला सचदेव, राजेंद्र नाथ और जीवन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1965 में आई थी दो दिल, इसको ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें बिस्जीत चटर्जी, राजश्री, मुमताज अस्करी, दुर्गा खोटे, महमूद और प्राण थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जानवर, इसको बप्पी सोनी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे शम्मी कपूर, राजश्री, अचला सचदेव, श्यामा, पृथ्वीराज कपूर, रहमान और रशीद सेन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1966 में आई थी सगाई, इसको एच डी नारंग ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे विश्वजीत, राजश्री, दुर्गा खोटे, रहमान, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1966 में आई थी मोहब्बत जिंदगी है, इसको जगदीश निरूला ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, राजश्री, चांद उस्मानी, महमूद, देवन वर्मा, नाजिर हुसैन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1967 में आई थी दिल ने पुकारा, इसमें इसको मोहन कुपलरी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, राजश्री, अचला सचदेव, हेलन, संजय खान, महमूद थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी गुनाहों का देवता, इसको देवी शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे जितेंद्र, राजश्री, अरुणा ईरानी, रणधीर कपूर, महमूद और जीवन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी अराउंड द वर्ल्ड, इसको पच्ची जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राज कपूर, राजश्री, अमिता, अचला सचदेव, महमूद और प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1968 में सुहागरात, इसको आर्य भट्टाचार्य जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे जितेंद्र, राजश्री, लक्ष्मी छाया, मृदुला रानी, महमूद और विपिन गुप्ता। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में ब्रह्मचारी, इसको बप्पी सोनी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे शम्मी कपूर, राजश्री, मुमताज अस्करी, जगती, प्राण और मनमोहन। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1973 में नैना, ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसको कनक मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, राजश्री, मौसमी चटर्जी, पद्मा खन्ना, रहमान, डेविड अब्राहम लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूअर्स, ये फेमस एक्ट्रेस राजश्री जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या फिर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो watching.